ये तुम रखो और ये बशीर तुम्हारे लिए। तो ये इन सबको किस बात का इनाम मिल रहा है? बहुत बहुत मुबारक हो अफनान, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ। अलीज़े, अफनान कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? काफी बेहतर है। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दी और तुमने मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, दरअसल वाकई इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि खुशी में मेरे जहन से ही निकल गया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अफनान पता है तुम्हें, जब मैं पहले कभी बच्चे के बारे में सोचती थी तो मुझे लगता था हमें थोड़ा रुक कर फैमिली प्लान करनी चाहिए। लेकिन अब जब अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दे ही दी है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है अफनान, तुम क्या खुश नहीं हो? मैं नहीं, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। बस यही सोच रहा था कि अब तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है? बेगम साहबा, ये किस खुशी में? अरे मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। अल्लाह छोटी बीबी और उनके होने वाले बच्चे को सलामत रखे। अल्लाह उनको बेटा दे। आमीन। बस दुआ करो जो भी अल्लाह दे साथ खैरियत के दे, और मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, इंशाल्लाह। जी बेगम साहब, आपने बुलाया? हाँ, जाके ना 2 बकरे लेकर आओ, एक मेरी बेटी के लिए और एक आने वाले बच्चे के लिए। मुझे दोनों के लिए सदका देना है। ये जी बिल्कुल बेहतर है। अलीज़े, अलीज़े बेटा, कितनी बार तुम्हें बुलाया है मैंने, चलो खाना ठंडा हो रहा है। अम्मा मेरा बिल्कुल भी खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा, बल्कि तबीयत अजीब बोझल सी हो रही है। ओहो मेरी जान, ऐसी हालत में ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम खाना छोड़ो। अफनान समझाओ ना ऐसे। जी भूपो, मैं तो समझाता हूँ लेकिन मेरी कहाँ सुनती है। मौका मिल गया ना आपको मेरे पीछे पड़ने का। हाँ बिल्कुल, अब खाना पीना छोड़ोगी तो सेहत खराब होगी। चलो मैं तुम्हें लेके जाऊँ। अच्छा अच्छा, मैं सब बात की आपने लीजे से? उसने तो काफी हंगामा किया होगा ना अफनान? कल भी वेट करी थी आपका कि आप चक्कर लगाएंगे या कॉल करेंगे। जब आपकी कोई कॉल नहीं आई तो मुझे अंदाजा हो गया था अलीज़े ने कोई ना कोई हंगामा किया होगा। मैंने अलीज़े से कोई बात नहीं की, मैं उससे बात नहीं कर सकता। क्यों? तो बात करने गए थे ना उससे। कभी कभी कुदरत एक लम्हे में आपकी जिंदगी आपके फैसलों को बदल देती है। मैं अलीज़े से यही कहने गया था कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन बस एक लम्हे ने मेरी जिंदगी बदली। रमशाह अलीज़े प्रेग्नेंट। शायद चाहती है कि मैं अलीज़े के साथ ही रहूं। तुम अच्छी तरह जानती हो रमश, मुझे औलाद की कितनी ख्वाहिश है। अलीज़े को नहीं छोड़ सकता। उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। ठीक है नान, आप अगर आपने कोई फैसला किया तो फिर सोच समझ कर ही किया। चेंज करने आपने खाना लगा दिया। साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। धोखा मुझे यार से मिला।